दिस इज शिवानी फ्रॉम ट्यूटर कैबिन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें ये भिन्न दिए हुए हैं, हमें इसे संख्या रेखा पर जो है निरूपित करना है। ठीक है, बताना है कि ये भिन्न कहाँ पर जो है आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो चलिए करते हैं। जैसे अब इसमें सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर बोलेंगे तो हर तो सेम है। ठीक है, और देखिए पर कंडीशन क्या है, ये अंश होता है हमारा और ये होता है हमारा हर, लेकिन हर तो सबके सेम है। इतनी बात समझ में आई। तो इस केस में मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरा हर है वो बड़ा है किससे, अंश से, और अंश जो है छोटा है हर से। बात एक ही है ना, हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो मतलब मेरा जो नंबर जो ये भिन्न है वो किस संख्या के बीच में आएंगे, वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। किसके, 0 और 1 के बीच में आएंगे, है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन हमें जो संख्याएं दी गई है वो ऋणात्मक दी गई है। कैसी दी गई है, ऋणात्मक दी गई है। तो जो मेरा अंश और हर है, ठीक है, तो ऋणात्मक दी गई है, तो वो किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। ये कंडीशन चेक कर लीजिए, जैसे कि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हमें मिश्रित भिन्न में करना पड़ेगा। लेकिन यदि हर बड़ा है और अंश छोटा है तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि जब हम इनका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये 0 और दशमलव में कुछ संख्याएं आएगी। इतनी बात तो पता चल गई। ठीक है, अब ये ऋणात्मक है इसलिए ये पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में जो है ये संख्याएं निरूपित होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अब संख्या रेखा बनाइए। हमें पता चल गया ना कि संख्या किसके किसके बीच में आएगी, है ना। अब देखिए -1 के बीच में आएगी, तो इधर क्या ले लेंगे, 0, और इधर पे क्या ले लेंगे, -1। इतनी बात समझ में आ गई, 0 और -1 के बीच में ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, अभी हर में कितना है, 11, तो मुझे यहाँ पे 11 भाग जो है करने पड़ेंगे लाइन के। कितने भाग करने पड़ेंगे, 11। तो चलिए करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या 11 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए 11। ठीक है, अभी क्या, कहाँ से 11 भाग हो गए मेरे, 11 भाग हो गए लाइन के। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी संख्या रेखा बन गई, संख्या रेखा पे नाम दे दिए हम लोगों ने। अब हमें बताना है कि ये जो तीन भिन्न है वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले है -2/11, तो -2/11 ये है रहा, यहाँ पे सर्कल बना दीजिए। फिर -5/11 -5/11 ये रहा। फिर -9/11 तो -9/11। तो इस प्रकार हमने दर्शाया -2/11 -5/11 और -9/11। समझ में आया क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कंपेयर करना है, देखना है, यदि हर बड़ा होगा तो 0 और 1 के बीच में करेगा, और यदि अंश बड़ा होगा तो थोड़ा सा मिश्रित भिन्न में करना पड़ेगा। ठीक है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा भिन्न है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, बस इसके फिर भाग करने हैं जितना भी हर में दिया है, और नंबर लिख के जो भिन्न हमें दिए हैं उनको बताना है कि ये संख्या रेखा पे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। तो मिलते हैं प्रश्न नंबर 3।